नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ तार कंपनी स्थित सीवन तालाब के पास। आप सभी को बता दूँ कि जल्द ही 3 मार्च को आने वाले 3 मार्च को यहाँ के लोगों के लिए एक नए पार्क की सौगात मिलेगी और ये पार्क सीवन तालाब के पास खाली पड़े इस दलदल क्षेत्र में बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर एक कृत्रिम झरने का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए पेवर्स ब्लॉक बिछाते हुए मॉर्निंग वॉकर्स को भी सुविधा दी जा रही है, बैठने के लिए बेंच का निर्माण किया जा रहा है और इसका सुंदरीकरण करते हुए पास स्थित पहाड़ों की भी अच्छी बनावट की जा रही है और साथ ही घास बिछाया जा रहा है पूरे इलाके में ताकि बच्चे यहाँ पर खेल सके। तो ये क्षेत्र, ये इलाका पहले काफ़ी सुनसान और दलदल भरा रहता था, यहाँ पर पानी, गंदे पानी का बहाव होते रहता था। ऐसे में यह जगह यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पर पिछले 2 से 3 महीने से पार्क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तब से यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए काफ़ी राहत की बात है। और हम बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि पार्क के निर्माण से उन्हें क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पार्क के निर्माण से वहाँ के स्थानीय निवासी, वहाँ पास रहने वाले लोगों को सबसे अधिक सुविधा मिलती है। तो हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पार्क के निर्माण से उनके लिए क्या कुछ बदलाव होगा इसमें। तो देखिए, जमशेदपुर से मेरी खास रिपोर्ट। काफी सुनसान और खाली हुआ करती थी। हाँ, अभी तो अच्छा पार्क बन गया है। अभी बच्चा लोग का खेलने कूदने का जो है ना, वो नहीं तो पहले इधर शराबी लोग का बहुत अड्डा रहा करता था, अभी तो अच्छा हो गया। पार्क डेवलप हो जाने से आप लोगों को काफी सुविधा। अभी तो अधूरा काम हुआ, अभी और काम होना बाकी है। कंपनी जो भी करा अच्छा काम कर रहा। पार्क बन जाएगा यहाँ पर तो अच्छा ही रहेगा। पहले यहाँ पर कैसा था पूरा माहौल? पहले पूरा यहाँ पर पानी होनी था, पूरा सन्नाटा था। तो पहले यहाँ पर आना जाना नहीं होता था। नहीं, पार्क बन जाएगा तो फिर कैसे आओगे? हाँ, अच्छा रहेगा पार्क घूमने के लिए यहाँ। हाँ, पहले थोड़ा नाली उली था इधर में, देखने में उतना खूबसूरत नहीं था। अभी तो यहाँ पार्क बन जा रहा। पार्क बन जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा यहाँ? ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, घूमने फिरने का जगह हो जाएगा, माहौल थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा, हरा हरा घास वगैरह लग रहा है, पार्क बन रहा है, आदमी लोग को बैठने का, घर से निकल के बाहर यहाँ बैठेंगे लोग तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, शुद्ध वातावरण रहेगा, हरा हरा घास लग रहा है या ये सब पेड़ पौधा जो छोटा छोटा लगा रहे हैं, इससे जो वातावरण में वो शुद्धता आएगी। यहाँ का माहौल भी काफ़ी सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ का माहौल तो ऐसे साफ़ सुथरा है ही है, क्या कि यहाँ पर तो बहुत ही इतना खाली जगह है कि इतना खाली जगह तो कहीं है नहीं, तो इसके हिसाब से तो पॉपुलेशन के एरिया के हिसाब से ज़्यादा मैंने ये नहीं है, मैंने ठीक है। पहले नाली के रूप में हुआ करता था जिसको भी डेवलप किया गया। हाँ, नाली वाली था, वो तालाब में आता था, कंपनी वगैरह का पानी आता था तो उसको अपना वो लोग उसी को सौंदर्यीकरण करके बढ़िया मैंने ये लोग बना दे रहे हैं, अपना देखने में भी लुक भी अच्छा हो जाएगा और जो घटिया या बेकार चीज़ था वो अच्छा में ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कब, क्या यहीं के रहने वाले हैं जी? कब से देख रहे पार्क निर्माण का कार्य? 3 महीना हो गया। पहले ये जगह कैसी हुआ करती थी पार्क जब नहीं बन रहा था तो? थोड़ा दलदल था, पानी उनी का था। अभी पार्क निर्माण हो जाएगा यहाँ पर तो क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी आप लोगों के लिए, कितनी आसानी रहेगी? हाँ, तो बच्चा लोग अपना खेल कूद करेगा, हर जगह तो रोडे है, पार्क में बैठेगा आराम। तो प्ले ग्राउंड था बच्चों का, वो नहीं हो पा रहा था? प्ले ग्राउंड कहाँ था, यहाँ पास हल्का फुल्का ऐसी खुला थोड़ा जमीन था। तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा? बच्चों के लिए तो अच्छा रहेगा। टेल को जाते वक्त आपने इस तालाब के पास दलदल भरी खाली जगह को ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब आपकी नज़रें इस सौंदर्यीकरण पर ज़रूर टिकी होगी। ऐसे में सभी के बीच कौतूहल का विषय ज़रूर है और इससे भी अधिक ये यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए चर्चा और खुशी का विषय बन चुका है और बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई इसके निर्माण का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाली रहने वाले इस जगह का अब सलीके से इस्तेमाल होने वाला है और इसका इंतज़ार, इस तोहफे का इंतज़ार सभी को रहेगा।
तो देखते हैं किस तरह से इसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है और निर्माण के बाद ये किस तरह से खिलकर एक नए रूप में सभी के सामने आता है, जिसका फ़ायदा यहाँ के स्थानीय निवासियों सहित आसपास दूर दूर से आने वाले लोगों को भी ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ आसपास में ऐसे खाली क्षेत्र तो बहुत है लेकिन इस तरह के पार्क का निर्माण नहीं किया गया है। तो इस खास तोहफे का इंतज़ार सभी को रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।